राजधानी जयपुर से बड़ी और अहम खबर, जहां एक साल से इंसाफ की आस में एक बेबस पिता भटक रहा है। अपनी बेटी के कातिलों पर कार्रवाई की गुहार लगाई जा रही है बेबस पिता की ओर से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, दोषियों के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया। दरअसल शादी के 5 महीने बाद ही ससुराल में बेटी की मौत हो गई थी। साल 2016 में प्रतापगढ़ निवासी प्रदीप कुमार के साथ शादी हुई थी। एक साल बीत चुका है, एक साल से इंसाफ की आस में दर दर ये पिता भटकने को मजबूर हो गया है। अभी तक इंसाफ नहीं दिला पाया है अपनी बेटी को। बेटी के कातिलों पर कार्रवाई की गुहार लगाई जा रही है इस बेबस पिता की ओर से। कहा जा रहा है कि इस बेबस पिता की बेटी की शादी के 5 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई थी। साल 2016 में प्रतापगढ़ निवासी प्रदीप कुमार के बेटे से शादी हुई थी लड़की की, लेकिन 5 महीने बाद ही शादी के जान चली गई थी, मौत हो गई थी बेटी की, जिसके बाद अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है ये बेबस पिता। दर दर भटकने को मजबूर हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मदद नहीं की जा रही, आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे नाराज मजबूर ये बेबस पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।